हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग वाच्य पढ़ेंगे कि वाच्य क्या होता है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, वाच्यों के जो प्रकार हैं उनकी पहचान चिन्ह कैसे होती है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे कि वाच्य कितने होते हैं, कैसे होते हैं और किस प्रकार से उनको पहचाना जाता है, और एग्जाम में कैसे उसके प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे आप उन सभी प्रश्नों को कर सकें। वाच्य से 2 नंबर फिक्स होता है, ये कटने वाला नहीं है। 2 नंबर वाच्य से आने ही आने एग्जाम में हैं। आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिए, उसमें वाच्य से रिलेटेड जरूर प्रश्न रहता होगा। अगर आपने बहुत सारे पेपर दिए होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि वाच्य का प्रश्न उसमें रहा होगा, आपने उसको सही गलत जो भी किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे से वाच्य में मेरे एक भी प्रश्न आ जाए, उससे छूटे ना, तो आज वाच्य के लिए पूरे समय तक अच्छे से बने रहिए। और उसके लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो लिंक है वो अन्य ग्रुपों में उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। उसके माध्यम से अन्य लोग भी जुड़ जाएंगे, उनको वो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को कहिए कि जुड़ें, और जिससे वो जुड़ेंगे उनको अधिक से अधिक लाभ होगा, जिससे एक भी प्रश्न एग्जाम में उनका छूटने वाला नहीं है। हिंदी का जो व्याकरण है उससे एक भी प्रश्न उनसे छूटेगा नहीं, जिससे वो अच्छे नंबरों से मेरिट बना सकते हैं और एग्जाम में वो सफलतापूर्वक सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं वाच्य। ये वाच्य वाच्य मीन्स क्या होता है? वाच्य मीन्स होता क्या है? कोई बात कहना, कोई वचन कहना, कोई कारण कहना, यही तो वाच्य होता है। अब इन वाच्यों को हम कहते हैं कि 3 प्रकार से विभाजित कर लेते हैं। इन वाच्यों को कितने प्रकार से? 3 प्रकार से वाच्य, ठीक, कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य इन 3 वाच्यों को इन 3 रूपों में विभक्त किया गया है। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। अब इन 3ों में यह देखा जाता है कि किसमें सबसे ज्यादा किसकी प्रधानता होती है, यानी कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तावाच्य। कर्तृवाच्य को कर्तावाच्य भी कहते हैं। अगर मैं कर्तावाच्य कहता हूँ, चाहे आप कहीं नहीं सुने हो कि कर्तावाच्य, तो उसको कर्तावाच्य भी कहते हैं। तो कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जिसकी प्रधानता होती है, यानी इन 3ों में जिसकी प्रधानता होती है उसी को वाच्य कहा जाता है। मतलब जिसको मोस्ट लीड करके ये चलता है, जिसकी प्रधानता होती है 3ों में से उसी को वाच्य कहा जाता है। ये वाच्य की ये परिभाषा है कि जिसमें कर्ता, कर्म और भावों को ध्यान को रखते हुए इन तीनों की क्रियाओं में जिसकी प्रधानता होती है, इन तीनों की क्रियाओं में जिसकी प्रधानता होती है उसको वाच्य कहते हैं। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना कि इन कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रियाओं में जिसकी प्रधानता होती है उसको वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के हो गए। प्रश्न यही पूछ दे कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, आप बता दें 3ों। अगर 3ों का नाम पूछ दे तो आप 3ों का नाम लिख सकते हैं। वो परिभाषा पूछ दे वाच्य की कि जिसके कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य में जिस क्रिया की प्रधानता होती है उसको वाच्य कहते हैं। इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अब हम एक एक को डिफाइन करते हुए चलेंगे, एक एक को, कि कर्मवाच्य क्या होता है, कर्तृवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, एक एक को बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य की बात करेंगे। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य ये क्या होता है, कर्तृवाच्य होता क्या है, इसका एक परिभाषा होता होगा ना, तो वो परिभाषा हमको बताइए। जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता, क्रिया का प्रयोग कर्ता के
अनुसार होता हो, कर्ता के अनुसार होता है उसे उसे कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य कहते हैं। भाई इस लाइन में क्या कह रहा है आपको एक बार स्पष्ट कर लीजिए। जिस वाक्य में एक पूरा सेंटेंस होगा, क्रिया का प्रयोग यानी जो क्रिया हो, क्रियाएं होती हैं, हंसना खेलना उठना बैठना क्रियाएं होती हैं, का प्रयोग कर्ता के अनुसार जो कर्ता होता है, जैसे बच्चे बच्चा राम मोहन, उसके अनुसार होता है ठीक, उसे कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य कहते हैं मतलब जिसके अनुसार क्रियाओं का प्रयोग होता है, यानी कर्ता के अनुसार जिन क्रियाओं का प्रयोग होता है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही हो रहा है, यानी सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है उसका, किसका, कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, जो वाक्य है उसकी क्रियाओं पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये कर्तृवाच्य होगा या कर्तावाच्य होगा, जिसके माध्यम से सीधी सीधी बातें स्पष्ट होती हों, कर्ता की बातें स्पष्ट होती हों, वो कर्तृवाच्य कहलाता है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि किन किन उदाहरणों से ये स्पष्ट हो सकते हैं। पहले ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में, नोट में करके लिखिएगा, इस प्रकार के वाक्यों में जो कार्य होते हैं, जो भी कार्य होंगे, इस प्रकार के वाक्यों में जो भी कार्य होते हैं वो लिंग व वचन के अनुसार होते हैं। कहते हैं कि कर्तृवाच्य के अंतर्गत कहा जाता है कि इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे, जो भी वाक्य होंगे, वो लिंग वचन के अनुसार हो जाते हैं। जो कर्तावाच्य होता है उसी के अनुसार लिंग और वचन में परिवर्तन किया जा सकता है। जो कर्ता होता है उसी के अनुसार, कह रहा है इस लाइन में, उस वाक्यों में लिंग वचन के अनुसार हो जाता है। किसके अनुसार भाई? कर्तावाच्य के अंतर्गत। कर्तावाच्य अगर यहाँ पुरुष है तो आपका जो भी लिंग होगा वो पुरुष वाला लिंग कहलाएगा, और वो वचन होगा एक वचन द्विवचन बहुवचन, वो उसके अनुसार लिंग के अनुसार फीमेल फीमेल, महिला पुरुष के आधार पर, बालक के आधार पर वो तब्दील होता रहता है। ये नहीं कि बस कर्तावाच्य है तो बस एक ही चीज़ों को लेकर पकड़ के चलता है, नहीं, ये कहता है कि हम लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? लिंग और वचन के अनुसार कर्ता के अनुसार कार्य करते हैं ठीक। लिंग वचन के अनुसार यहां कर्ता कर लीजिए, यहां कर्ता, कर्ता के अनुसार होते हैं ठीक। एक हंसपद चिन्ह है, आप भूल गए होंगे, हंसपद चिन्ह को यहां पर ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको अब और चीजें स्पष्ट होंगी कि जो भी इस प्रकार के वाक्यों में लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? कर्ता के अनुसार होते हैं। बिल्कुल कर्ता के अनुसार ही होना चाहिए। अब जैसे उदाहरण कह सकते हैं, एक और चीज लिख लीजिए जिससे और चीजें स्पष्ट हो जाए। इसमें का मतलब ये कर्तृवाच्य, इसमें सकर्मक व अकर्मक क्रियाओं, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। इस प्रश्न आपसे यही पूछ दे कि कर्तृवाच्य जो होता है उसमें किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे कि इसमें सकर्मक क्रियाओं का भी प्रयोग होता है और इसमें अकर्मक क्रियाओं का भी प्रयोग होता है।
अभी मैं उदाहरण के माध्यम से सकर्मक उदाहरण के माध्यम से भी बता दूंगा कि कर्तृवाच क्या होता है, और अकर्मक उदाहरणों के माध्यम से भी बता दूंगा कि कर्तृवाच क्या होता है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, तीन पॉइंट नोट करिए। इसमें वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार के वाक्यों में लिंग वचन किसके अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार होते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें सकर्मक व अकर्मक क्रियाओं का दोनों का प्रयोग होता है, यानी आप उदाहरण जो बनाएंगे अगर सकर्मक क्रिया होगी तो भी आप उसमें कर्तृवाच पहचान सकते हैं, और अकर्मक क्रिया होगी तो भी उसमें कर्तृवाच पहचान सकते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण, बच्चा खेलता है, ये सबसे पहले जान लेते हैं कि ये क्रिया कौन सी है, सकर्मक है कि अकर्मक है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो ये अकर्मक है, ठीक, ये क्रिया कौन सी है, अकर्मक, क्योंकि ये क्या खेल रहा है, किससे खेल रहा है, ये चीजें हमको नहीं पता चल रही हैं, यानी ये चीजें अकर्मक हो गई। यानी यहां पे देखिए, इस सेंटेंस में अकर्मक का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब बच्चा खेल रहा है यानी बॉय खेल रहे हैं सब, ठीक। तो इसके अनुसार जो लिंग वचन है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, तो इसको क्या मान लेंगे भाई, बच्चे को क्या मान लेंगे, कर्ता हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और बच्चा हो जाएगा। और खेलना क्या होता है, हंसना खेलना रोना क्या होती है, क्रिया होती है। यानी यहां पे ये चीजें स्पष्ट हो गई कि बच्चा खेलता है, ठीक। यही आगे लिख लेते हैं, बच्ची खेलती है, बच्ची खेलती है, एक उदाहरण ले लेते हैं, और बच्ची खेलती है। यहां देखिए, लिंग और वचन के अनुसार इसमें बच्चा खेलता था और इसमें बच्ची खेलती है, यानी लिंग के अनुसार वो कर्ता क्या हुआ, उसकी क्रिया क्या हुई, चेंज हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि सीधा का सीधा प्रभाव उस पर पड़ रहा है। तो ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया ही है। अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की, कि भाई ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण देख लीजिए और दूसरा है सकर्मक क्रिया का, क्या हो सकता है भाई। राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, और आगे वाले उदाहरण में शिवानी पत्र लिखती है, शिवानी पत्र लिखती है। यहां पे ये चीजें, ये क्या कह रहे हैं, राम लिखता है। अगर लिखता का उत्तर आपको पता चल रहा है कि क्या लिखता है, यानी पत्र लिखता है, यानी ये क्रियाएं किस रूप में आ गई, सकर्मक क्रियाएं आ गई, यानी क्या का हमको उत्तर मिल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, ये क्रियाएं सकर्मक रूप में, ये वाक्य पूरा का पूरा सकर्मक रूप में है। शिवानी पत्र लिखती है, इसमें भी शिवानी लिखती है, क्या लिखती है, तो पत्र लिखती है, ये भी क्या हुआ, सकर्मक। इसमें यानी हमारा जो कर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, वो पता चल रहा है। और ये दूसरी वाली लाइन में देखिए, वाक्यों में लिंग और वचन, यानी लिख शिवानी लिखती हो गया है, और राम लिखता है, यानी पुरुष होता है तो लिखता होता है, और शिवानी होती है यानी महिला होती है तो लिखती होती है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का यहाँ पर सीधा सीधा प्रयोग पता चल रहा है। इस यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, यानी एक मैंने अकर्मक क्रिया का उदाहरण दे दिया ऊपर, और नीचे सकर्मक का, यानी कोई किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। यहाँ भी राम क्या होगा, कर्ता के रूप में, ये कर्म के रूप में, ये क्रिया के रूप में, ठीक। इसी तरह यहाँ भी कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी यह एक तरह से हटा दिया जाए यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। यानी कर्ता आपको पता हो गया और इसकी क्रिया पता हो गई, कर्ता पता हो गया, क्रिया पता हो गई, यानी हम लिंग वचन का भी प्रयोग कर लिए, सकर्मक अकर्मक उदाहरणों को भी जान लिए, और किसके अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार जो प्रभाव सीधा पड़ रहा था क्रिया पर, कर्ता के अनुसार ही तो पड़ रहा था,
तो जब उसका प्रभाव पड़ रहा था तो वो चीजें यहां पे आपको अस्पष्ट हो गई। अब अगले अगले की बात करते हैं। इसमें कोई कर्तृवाच में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से 5 सेकंड के अंदर वो हमको बता दें। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नोट कर रहे हो तो तुरंत नोट कर लीजिए। अगर जो लोग लेट से जुड़े हैं फिर इसको एक बार यहाँ तक का वीडियो, अभी यहाँ से जुड़े हैं तो पीछे रिवाइंड करके आप बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन सारे लोग देखिए। और अभी तक जितने लोगों ने हमारे वीडियो को फॉरवर्ड नहीं किया वो वीडियो को फॉरवर्ड अन्य ग्रुपों में कर दें भाई, वो भी लोग जुड़ के इसका लाभ ले सकें। अब बात करते हैं हम दूसरा वाच्य क्या है भाई। अभी मैंने लिखवाया था कर्मवाच्य, दूसरा क्या है कर्म वाच्य। कर्मवाच क्या होता है भाई, कर्मवाच क्या होता है जल्दी बताइए, इसका भी परिभाषा होती होगी ना। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी इस लाइन में क्या कह रहा है भाई कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार, अभी तक कर्म कर्तावाच में क्या कह रहा था, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता था उसको कर्तावाच्य कहते थे या कर्तृवाच्य कहते थे। अब इसमें उसी लाइन को बस थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार, उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा था उस वाक्य में, और यहाँ पे जो वाक्यों का प्रयोग हो रहा है वो कर्म के अनुसार हो रहा है। यानी कर्म के द्वारा जो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, यहाँ पे वो कर्म के अनुसार ही क्रिया का हम प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहेंगे भाई, उसको कर्मवाच्य कहेंगे। इसमें भी कहता है इन वाक्यों में, इसमें भी वो बात होती है, इन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार लिंग वचन का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक। और तीसरा मैंने क्या लिखा था, सकर्मक का कर्मवर्णन। तो इस प्रकार के वाक्यों में केवल केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। यानी जो ये चीजें होती हैं, जो कर्तृवाच्य था उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार का प्रयोग होता था, इसमें क्या हो रहा है, केवल और केवल सकर्मक का प्रयोग हो रहा है। यानी चीजें आपको अस्पष्टता के साथ वो पता चलती हैं, लेकिन जो कर्तृवाच्य था उसमें दो प्रकार की क्रियाएं जब प्रयोग हो रही थी तो सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रयोग हो रहा था तो वो कर्तृवाच्य के अंतर्गत आ रहा था। इसमें केवल और ओनली केवल केवल सकर्मक का ही प्रयोग होगा, ठीक। तो अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। इन लाइनों में किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होता था, इसमें भी इन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार लिंग वचन का प्रयोग करते हैं,
भाई जो जैसा करता रहता है उसी के अनुसार हम उसका जो क्रियाएं होती हैं उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक, अब इस तरह के वाक्यों में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही हम प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, आप बताइए उदाहरण, बहुत सारे आप लोग, मैं तो दो एक दो उदाहरण ही बताऊंगा, आपके पास 10 उदाहरण हो, यानी पुस्तक पढ़ी। पुस्तक क्या की जाती है भाई, लिखी जाती है। हाँ, पुस्तक क्या की जाती है, पुस्तक क्या की जाती है भाई, पढ़ी जाती है, यानी पुस्तक क्या है। ये कर्म है और क्रिया क्या है, जाती है। जाना आना उठना बैठना क्या हुआ, क्रिया ही तो हुआ। यानी पुस्तक ये बता रहा है कि पुस्तक केवल और केवल पढ़ी ही जाती है। आपके पास किताब होगा तो आप उसको पढ़ते हैं कि किताब पे लिखते हैं। भाई कुछ विद्वान होंगे तो कुछ कोटेशन टाइप का चाहे इंपॉर्टेंट चीजें उस पे लिखते होंगे, लेकिन क्या उस पे एक सादे पेज की तरह अपने नोटबुक की तरह क्या उस पे लिखते हैं क्या। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन होता है कि पुस्तक केवल और केवल पढ़ी जाती है, पुस्तक केवल पढ़ी जाती है। ठीक, क्या किया जाता है, पुस्तक केवल पढ़ी जाती है। ठीक, और कहा जाता पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। पत्र क्या किया जाता है, पत्र को लिखा जाता है कि क्या किया जाता है। सादा कागज आपके पास भेज दें तो क्या आप उसको पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे। हाँ, पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। यानी पत्र को जब भी हम लिखेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। यानी सबसे पहले कौन से कार्य होने चाहिए पत्र पे, लिखने वाला कार्य होना चाहिए। बिना लिखे उस पत्र को हम नहीं पढ़ सकते हैं। कोरा कागज हो तो क्या उस चीज को हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, ये अब इसको कह सकते हैं कि पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, तो आप कर्ता बता सकते हैं ना, राम के द्वारा लिखा जा सकता है, मोहन के द्वारा लिखा जा सकता है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो आप इस तरह से, हम कर्म की बात कर रहे हैं, अगर कर्ता, यहां कर्ता कह रहे हैं, यहां कर्म है, अगर हम इसके कर्ता की बात कर रहे हैं कि क्या कौन लिखता है भाई ये पत्र लिखा जाता है, तो कौन लिख लेता है भाई, किसके द्वारा लिखा जाता है। तो आप आगे भी बता सकते हैं कि मोहन के द्वारा, मेरे द्वारा, फलाने ढिकाने के द्वारा, किसी के भी द्वारा आप बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिंग वचन भी, ये चीजें हमको कन्फर्म करना है ना, तो पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती यानी आप लिंग वचन के द्वारा आप देख लीजिए, पढ़ी किसके लिए प्रयोग होता है, बॉयज के लिए या गर्ल्स के लिए, लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए, यानी लड़कियों के लिए। यानी ये जो पुस्तक पढ़ रही होगी, सीता पढ़ रही होंगी, शीला पढ़ रही होंगी, सोनिया पढ़ रही होंगी, जो भी कर रही होंगी वो सोनिया के द्वारा ही, सीता जी के द्वारा ही, इन्हीं सबों के द्वारा किया जा रहा होगा। जो यानी जो मेल फीमेल कैंडिडेट होंगी उन्हीं के द्वारा ये किया जा रहा होगा। ठीक, पत्र लिखा जाता है यानी ये सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है। हाँ, किसके द्वारा भाई, पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है किसके द्वारा। भाई लिख सकते हैं, फ्री हैं आप। कहानी लिखी जाती है, अब वही मेल फीमेल वाला चीजें इसमें भी आ रही हैं, आप उसके अनुसार कर सकते हैं। मुझे बस आपको कर्म बताना था कि जिसके अनुसार आप कर सकें कि वो चीजें, क्योंकि यहां पे कर्म के अनुसार ही प्रयोग हो रही है क्रियाएं, कर्म के अनुसार ही क्रियाएं प्रयोग हो रही हैं, इसलिए मुझे कर्म को विशेष फोकस करके यहाँ पर, मैं चाहता तो पूरे पूरी सीता कहानी लिख, सीता के द्वारा कहानी लिखी जाती है, मैं ये चीजें लिख सकता था, लेकिन नहीं। क्यों मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मुझे ये चीजें आपको स्पष्ट करनी थी कि कर्म के अनुसार ही क्रियाएं की जाती हैं। अगर आप क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर यही के माध्यम से पता चल जाएगा, किसके लिंग वचन के अनुसार ही वो आपको पता चल जाएगा कि ये मेल लिख रहा है, फीमेल लिख रहा है। ठीक, पुरुष लिख रही है, महिला लिख रहा है। ठीक, इससे यानी कहानी लिखी जाती है, कहानी क्या है,
कहानी क्या है? बिल्कुल है भाई, कहानी लिखी जाएगी तभी ना पढ़ी जाएगी। हाँ, कहानी लिखी जाएगी तभी ना पढ़ी जाएगी। हाथी के द्वारा केला खाया गया। अब ये चीजें आपको यहां तक समझ में आ गई, तो ये चीजें भी आपको अस्पष्ट हो गई होगी कि हाथी के द्वारा केला खाया गया। यही बस लिखा होता कि केला खाया गया तो क्या चीजें हम सकर्मक के अंतर्गत लेके आ पाते? कभी नहीं लेके आ पाते, कभी की कभी नहीं ले पाते। तो इसलिए इस चीजों को इन माध्यमों के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, क्योंकि सकर्मक हमारे वाक्य हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अरे भाई, यहां सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर सकते हैं। राम द्वारा पत्र लिखा जाता है, कर सकते हैं। ठीक, ये चीजें हो सकती हैं। अब आते हैं इसके तीसरे पक्ष पे। तीसरा पक्ष क्या है भाई, तीसरा प्रकार क्या है इसका? तीसरा प्रकार क्या है? भाववाच्य। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? भाव मारना भाववाच्य होता है। हाँ, क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्त्य व कर्म को छोड़कर किया जाता है, उसे कर्तृवाच्य कह रहे हैं, भाववाच्य भाववाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसको? भाववाच्य कहते हैं। किसको? यहाँ पे कर्त या कर्ता के कर्म को के अनुसार नहीं होता, उसको छोड़ के होता है। अगर इन दोनों का लोप करके जिन भावों का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक, इसके अनुसार वो कार्य नहीं होते हैं। किसके अनुसार? कर्त व कर्म के अनुसार अगर नहीं हो रहे हैं तो उसमें उसके भावों की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है इसमें? इसमें भावों की प्रधानता होती है। जब भावों की प्रधानता होगी तो भाव ही इसका काम करेगा, इसी भावों के माध्यम से पूरे वाक्यों का निर्माण होगा। क्योंकि हम भाई यहाँ पे कर्म को जीरो कर दे रहे हैं, क्रिया कर्ता को हम जीरो कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमको वो स्पष्ट करेंगी वो चीज़ें भाव ही होंगी। भावों के माध्यम से ही पूरे वाक्यों को स्पष्ट कर सकते हैं, बिना भावों के माध्यम से उन चीज़ों को स्पष्ट हम नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण बताइए, कहते हैं ना, मुझसे तो पढ़ा ही नहीं गया। भाई क्या कर रहे हैं आप? जितने लोग हैं उस समय से जुड़े हैं इतने देर से, तो आपको तो उतने देर से, कुछ लोग तो बहुत देर से जुड़े हैं और लास्ट तक जुड़े रहते हैं, रोज जुड़े रहते हैं, उन सारे लोगों को हमको पता है। लेकिन कुछ लोग हैं मुझसे तो पढ़ा ही नहीं गया। भाई वो आते हैं, जुड़ते हैं, हट जाते हैं, आते हैं, उड़ते हैं, चले जाते हैं। कुछ समय के लिए जुड़ते हैं, हाल चाल लेते हैं हमारा, चले जाते हैं। हाल चाल लेने आए होते हैं कि सर की कैसे हैं, तबीयत ठीक है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग कह के निकल जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अरे पढ़ोगे भैया, अपने लिए पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे, एग्जाम पास होगे, बस कह देना सर कि ये जो आप पढ़ाए थे उसमें से एक क्वेश्चन आया था, मैं वहीं पर बहुत खुश होऊंगा, ठीक ना। तो मुझसे पढ़ा ही नहीं गया, यानी आपका भाव क्या कह रहा है भाई कि मुझसे पढ़ा ही नहीं गया? ये भाव है, कन्फर्म नहीं है, ठीक।
कि आप पढ़ लिए हैं चाहे नहीं पढ़े हैं, आप कोशिश किए नहीं किए, ये आपके भाव हैं। कोशिश कर रहे हैं, मुझसे उठा ही नहीं गया, मुझसे चला ही नहीं गया, मुझसे खड़ा ही नहीं होया गया, मुझसे बैठा ही नहीं गया, ये सारे क्या चीज़ें हैं जिसमें आपके भावों की प्रधानता, और ये भावों के माध्यम से उस वाक्य को स्पष्ट कर रहे हैं, वो आपका भाववाचक ही कहलाएगा। जिसमें यानी ये क्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती हैं, ये क्रियाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, ठीक, ये हमेशा अपूर्णकालिक रहती हैं, कभी भी ये पूर्ण नहीं हो सकती हैं। अगर कहता मैंने पढ़ लिया तो ये तो क्रिया पूर्ण हो जाती। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, उससे पढ़ा ही नहीं गया, यानी पढ़ना शुरू किया लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं गया, पूरा मन ही नहीं किया, मुझसे बैठा ही नहीं गया, मुझसे बैठा ही नहीं गया, मुझसे चला ही नहीं गया, मुझसे चला ही नहीं गया। इस तरह के तमाम चीजें आपको आएंगी कि क्या कर सकते हैं भैया, इसमें हम न चल पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कार्य को हम पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे भाव बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ग्रामर सीखने के लिए, मुझसे व्याकरण सीखा ही नहीं जा रहा है, हम वीडियो से जुड़ना चाहते हैं लेकिन हम वीडियो से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह के भावों की जब प्रधानता आ रही है कि हम कार्य करना चाह रहे हैं लेकिन वो कार्य अंत नहीं कर पा रहा है, पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे वो भाव की देखिए, इसमें कहीं कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं क्रिया, कहीं कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कर्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अगर इन दोनों का अभाव है, और देखिए ये स्पष्ट कौन कर रहा है, ये आपके भाव कर रहे हैं, भावों के माध्यम से ये वो चीज़ें आपको स्पष्ट चल रही हैं भैया, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और भी हमारी क्लासेज अगर जो लोगों ने लेट से जुड़े होंगे वो रिपीट करके देखेंगे, और जो लोग सोच रहे होंगे कि हमने आज सब्सक्राइब किया है वो और पुरानी कक्षा तो बहुत आगे चल चुकी है, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी हिंदी की वीडियो, बहुत सारी अन्य सारी वीडियो हैं, आप उनसे देख के अपने अनुसार वो कार्य का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।